देखिए, पर्यटन विभाग शासन के लिए दिन ब दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। हम लोगों को चार साल पहले हम लोगों का विभागीय बजट केवल हम लोगों का 120 करोड़ के करीब हुआ करता था। आज की डेट में हम लोगों के पास लगभग 400 करोड़ रुपए का बजट है। और दूसरा, हम लोगों के पास बाह्य सहायतित सेवा वगैरह से भी EAP से वगैरह भी हम लोगों को धनराशि प्राप्त हो रही है। इसके लिए अभी हम लोगों को अच्छे से नियोजन करने की आवश्यकता होती है। बोर्ड का एक महत्वपूर्ण काम यह है कि वो हम लोग उसका नियोजन कर ले और नियोजन के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका ध्यान दे। इसी के क्रम में आज जो बैठक हुई थी उसमें महत्वपूर्ण निर्णय कर लिए गए थे। बोर्ड के लिए जैसे हमारे ग्रांट में जो 55 करोड़ रुपये आते हैं उस पर जो है उसका वर्षवार किस तरीके से उसका नियोजन किया जाना है उसके बारे में आज निर्णय कर लिए गए थे। साथ ही में महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे हम लोगों की ट्रेकिंग की योजना है, हम लोगों की रिवर राफ्टिंग की योजना है, एयरो स्पोर्ट्स की योजना है, इसके बारे में कुछ नियमावलियों को भी आज हमारे यहाँ पर आज पारित किया गया। पर्यटन विभाग का ढांचा बहुत पुराना है, 2002-03 में जो है इसका गठन हुआ था, उसके उपरांत कभी फिर ढांचे का रिवीजन नहीं हुआ है, बल्कि बाकी सभी विभागों के ढांचे बहुत बदल गए हैं। तो इसीलिए एक अतिरिक्त 94 पद सृजित करने के संदर्भ में आज प्रस्ताव पारित किया गया और उसके माध्यम से अभी वो शासन को भेज दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों की जिला लेवल पर बहुत ही कम अभी हमारी मानव संसाधन है, जबकि हमारे जिला लेवल पर बहुत ज़्यादा कार्य जो है बढ़ा हुआ है। तो इस तरह के काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए। कुछ विकेंद जो आपके फाइनेंशियल पावर्स का विकेंद्रीकरण भी किया गया है ताकि जिला स्तर पर वगैरह अधिकाधिक कार्य निपटाए जाए और कार्य में गति आ जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फ्रूटफुल आज की बैठक रही है।